और देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिसी एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है। वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की ओर बढ़ रही आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह से खास बातचीत की है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी कार्यालय में उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक पीछे अगर हम आप देख पा रहे होंगे तो तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और साथ ही ढोल नगाड़े के साथ यहां पर पूरी तरह के जश्न का माहौल आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय में वहां पर मौजूद है तमाम कार्यकर्ता हैं और जानेंगे कि किस तरीके से जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे। ये आम आदमी पार्टी की जो लोगों के बीच में डिमांड थी वो साफ दिखाती है कि दिल्ली के अंदर जो झूठ है वो नहीं बिकने वाला। जो एक बड़ी पार्टी जो झूठ बेच रही थी, आपने देखा होगा इस एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट का कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, पता नहीं कहां कहां के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा और कहां कहां के मुख्यमंत्री को उन्होंने लगा दिया, मगर झूठ हारा सच जीता। दिल्ली की जनता की जीत है। एमसीडी में जो कूड़े के पहाड़ लगे हुए थे उसने दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट जो लेंटर माफिया थी उसको हराने का काम किया और आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया। क्या कहेंगे रुझान को देखकर? देखिए, जो आज की जीत है वो काम की राजनीति की जीत है और बदनाम करने की राजनीति की हार है। जिस तरीके से पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको जनता ने नकार दिया है और जनता कह रही है हमको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बदनाम करने वाली राजनीति नहीं चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश का आम आदमी पार्टी का कार्यालय जहां पर तमाम कार्यकर्ता यहां पर जश्न मना रहे हैं और साफ तौर पर दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के फार्मूले को दिल्ली ने सराहना है और साफ तौर पर जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में नजर आ रहा है। लखनऊ से एमके न्यूज के लिए अविनाश। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के जो रुझान है वो आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। रुझान जिस तरीके से नतीजे निकल कर आ रहे हैं क्या ऐसे देख रहे हैं? दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 15 साल जहां भारतीय जनता पार्टी का एक छत्रराज था, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के उस किले को ध्वस्त किया है, एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। दिल्ली के लोगों को जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदें थी कि बीजेपी ने जो पूरे दिल्ली को कूड़ेदान बना दिया था, कूड़ों का पहाड़ बना दिया था, जो आम आदमी पार्टी को मौका दिया और आम आदमी पार्टी अब आप दिल्ली को बेहतर साफ सुंदर बनाने का काम करेगी। गुजरात में विधानसभा नतीजों को कैसे देखते हैं? गुजरात के विधानसभा के नतीजों जो कल आने हैं, हम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं हम उसी को ही मान लें तो आम आदमी पार्टी गुजरात में पहली बार गई। जो एग्जिट पोल ही बता रहे हैं कि 20% से हमको ज़्यादा वोट मिल रहा, लगभग 20 हमारी सीटें मिल रही है। हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के किले में भेद करने का काम किया है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव के जिस तरीके से नतीजे हैं वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार जो है वहाँ पर बनेगी और साफ तौर पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के प्रचंड जीत का दावा किया है। लखनऊ से एमके न्यूज के लिए अविनाश।